सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। समय समय पर हो थे समय समय की बात, राम जन्म का दिन बड़ा कृष्ण जन्म की रात। अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी किसी पर संपूर्ण प्रतिशत भरोसा नहीं कर पाती, यही सत्य है। समय कभी नहीं रुकता, आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। आज का पंचांग 7 सितंबर 2023 दिन गुरुवार, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि शाम 4:14 तक रहेगी। इसके उपरांत नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। रोहिणी नामक नक्षत्र सुबह 10:25 तक रहेगी। इसके उपरांत मृगशीर्षा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 1:50 से 3:23 तक रहेगा। आज का भी मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:52 से 12:42 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृषभ राशि पर रात्रि 11:12 तक रहेगी। इसके उपरांत मिथुन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य सिंह राशि पर रहेंगी। वृषभ राशि 7 सितंबर 2023 दिन गुरुवार, आत्मविश्लेषण और आध्यात्मिकता या रचनात्मकता के लिए समय निकाली। रोमांस या अंतरंग कनेक्शन आपके द्वारा महसूस किए जाने वाली अकेलेपन को कम कर सकती हैं। दूसरों के साथ अपने संबंधों को कूटनीति से संभाले और साधन संपन्न बनाए रखें। सपने आपको दिव्यता के दर्शन कराते हैं। आज आप अच्छे और बुरे दोनों अनुभवों का आनंद लेंगे। आप असंभव को संभव करने में पूरी तरह से सक्षम हैं, किंतु इसके लिए उपयुक्त जोश और मनोभाव होना जरूरी है। किसी भी ऐसी चीज पर अपना अधिकार मत समझिए जिसके लिए ना तो आपने पसीना बहाया हो और ना ही संघर्ष किया हो। आज कोई रुका हुआ कार्य पूर्ण होने वाला है, हालांकि बहुत अधिक मेहनत भी करनी पड़ेगी। आपकी सकारात्मक और संतुलित सोच आपको योजनाबद्ध तरीके से कार्य संपन्न करने में मदद करेगा। सामाजिक गतिविधियों में भी आपका उचित योगदान बना रहेगा। कार्य की रुकावटों को दूर करने की कोशिश सफल हो सकती है। अपने मार्गदर्शन से दूसरों की समस्या दूर करने का मौका मिलेगा। नेतृत्व करने का मौका मिल सकता है। अपनी तुलना अन्य लोगों के साथ ना करें। काम को नए तरीके से करने की कोशिश करें। विवाह से जुड़ी बातों में परिवार के लोगों की राय का ध्यान रखें। बीपी संबंधित तकलीफ भी हो सकती है, ध्यान रखें। सावधानियां, विद्यार्थियों को किसी विशेष सब्जेक्ट को लेकर बहुत अधिक एकाग्रता बनाए रखने की जरूरत है। सीक्रेट बातें किसी से भी शेयर न करें, कोई धोखा हो सकता है। ईगो और अति आत्मविश्वास की भावना आपकी कमजोरी भी है, इस पर काबू रखें। बात करते हैं लव लाइफ की। तन्हाई या अकेलेपन से छुटकारा पाने के लिए आप एक साथी की तलाश में हैं, जो जल्द ही खत्म होगी। प्यार में यौन सुख और अंतरंगता रिश्ते को मजबूत बनाते हैं और साथ ही जीवन को महकाते भी हैं। जीवन आज आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आया है। अपने मनमौजू रवैये को छोड़कर अपनी चाहत की तरफ ध्यान दें। आज आपके मूड में भी बदलाव आएगा, इसीलिए अपनी प्रेममय जीवन का ध्यान रखें। अपने साथी तक अपने विचारों को विनम्रता से बांटें और उसकी भावनाओं का ध्यान रखें। बात करते हैं करियर की। इस समय आपका पूरा ध्यान अपनी योजनाएं और रणनीतियां बनाने में है, जो आपके व्यापार में सकारात्मक प्रभाव डालेगी। दीर्घकालीन निवेश या सोच समझ के व्यय न करना आपके लिए नुकसान का कारण बन सकता है। सही कनेक्शन की तलाश के लिए दिन अच्छा है। अपनी रचनात्मक ऊर्जा आज आपको एक अलग अनुभव प्रदान करेगा। यह चरण बेहतर प्रस्तावों और ग्राहकों को खोजने के लिए बेहतरीन है। नए अनुबंध आपके करियर में 4 चांद लगा सकते हैं और साथ ही कुशलता को भी बढ़ाएंगे। अपने दृढ़ जुनून को ऐसे ही बने रहने दें, क्योंकि आपका यही जुनून आपको आसमां की ऊंचाई तक लेकर जाएगा। व्यापारिक मामलों में बहुत अधिक व्यस्तता और मेहनत भी बनी रहेगी। बात करती हैं सेहत की। इन्फेक्शन आदि की समस्या होने पर तुरंत इलाज लें। मौसम के अनुकूल वस्तुओं का अधिक सेवन करें। बीपी संबंधित तकलीफ भी हो सकती है, पूरा ख्याल रखें। आज का उपाय,
आज कृष्ण भगवान जी की सुबह पूजा आराधना करें और माखन का भोग लगाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।